Good morning, class 6. Today we will understand chapter 4, sorting materials into groups. तो इस chapter में क्या पढ़ेंगे हम कि materials को क्या है हमें classify करना है groups में, ठीक है? तो देखते हैं इसमें हम इसका आज introduction पढ़ेंगे chapter का. Objects around us, ठीक है? हमारे आसपास के objects. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. तो हम क्या देखते हैं हमारे आसपास food और clothes में कितनी बहुत सारी variety, यानी अलग अलग type के foods होते हैं, अलग अलग type के clothes होते हैं, ठीक है? यानी कि और सिर्फ food और clothes में ही नहीं, बहुत सारे हम अपने आसपास जो भी सामान या objects देखते हैं उनमें क्या है बहुत ज्यादा variety होती है. जैसे कि we have seen around us a chair, a book clock cart, a साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, क्लोथ्स, टॉय, वाटर स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? हम क्या ये ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि डिफरेंट साइज, शेप्स और कलर के होते हैं, ठीक है? लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना है जो राउंड शेप में है. जैसे कि आप देखेंगे बॉल होती है आपके आसपास, फुटबॉल होती है, मार्बल्स होते हैं, तो ये क्या है राउंड शेप के ऑब्जेक्ट हैं. और आप और क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो एडिबल हैं, वो भी राउंड शेप के आप ले सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, ठीक है? इनको आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट आउट करना है इन ऑब्जेक्ट्स को जो राउंड शेप में होते हैं. फिर देखेंगे लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. तो कुछ एक ऐसा ग्रुप बनाना है हमें जो प्लास्टिक्स के बने ऑब्जेक्ट होते हैं उनका ग्रुप बनाना है. जैसे कि टॉय होते हैं, वाटर कंटेनर्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, लंच बॉक्सेस होते हैं, वाटर बॉटल भी होती है, बकेट्स होती हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको एक ग्रुप बनाना है जिस ग्रुप में सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ठीक है? आप इस तरह के बहुत सारे अपने घर के घर में भी आप ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है? और क्या है जो ऑब्जेक्ट्स, और भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स क्या है बहुत सारे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा मटेरियल के भी बने हुए होते हैं, कुछ ग्लास के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, प्लास्टिक्स के बने होते हैं, कुछ वुड का बना होता है, कुछ कॉटन के बने होते हैं, कुछ पेपर के बने होते हैं, कुछ मड और सॉइल के भी बने होते हैं, ठीक है? कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? तो आपको इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल देखने हैं और इसी तरीके से आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लासिफाई करना है उनके मटेरियल के आधार पर. आप ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.